गुड मॉर्निंग क्लास। पाक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। देखिए, आपको पता ही है, जैसे हमने फीमेल सुपरवाइज़र का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने पहला चैप्टर जो है वो हमने करवा दिया है, दैट इज सोसाइटी, आपका सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो ये जो एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है सुपरवाइज़र के सिलेबस की, ठीक है, आप स्पार्क इंस्टीट्यूट के चैनल पर जाएं, इस प्लेलिस्ट पर जाएं, सारे लेक्चर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, मैंने 1 से 1.25 घंटे का लेक्चर बनाया था, वहाँ मैंने डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझा दिया। आज का देखिए जो हमारा लेक्चर होगा, इट विल बी नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज एंड मोर्स। देखिए, अब अगर हम बात करें, देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं एक डेफिनेशन को रीड कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाए। मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज, मोर्स, जब आप ये लेक्चर कंप्लीट करें तो आपको इनके बीच में डिफरेंस माइंड में अच्छे से समझ आ जाए। मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स दूंगा आपको और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्चुअली एज वेल एज एनालिटिकली आपके माइंड में ये चीज़ें अच्छी तरह से फिट हो जाए। प्रोसेस हमारा वही होगा, हम इंट्रोडक्शन करेंगे, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, एग्जांपल्स, एमसीक्यूज, या जो भी आपके मेन पैरामीटर्स होंगे, हर एक एस्पेक्ट को हम टच करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। देखो, हमारा मोटिव ये नहीं है कि वीडियो चाहे 1 घंटे की बने, 2 घंटे की बने, चाहे 50 मिनट की बने, चाहे 30 मिनट की बने, अगर उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट रहेगी, ठीक है। तो देखें, आज का जैसे मैंने बताया आपको लेक्चर हमारा नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज और मोर्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्म्स। देखो, इससे पहले कि ये जो जितनी कहानियां मैंने लिखी हुई हैं, डेफिनेशन लिखी हैं, इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हैं, ये समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, हम वापस आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें वैल्यू की और नॉर्म की, अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में क्या हम बोलेंगे, देखो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होते हैं आपके मूल्य, ठीक है, आपके अपने जो सिद्धांत है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू, जो मूल्य है। जैसे कि आपका मूल्य है कि आप इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, आपका वैल्यू है, आपका वैल्यू सिस्टम है आपका कि आप ऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं, ठीक है ना। ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी क्या होगी, एक वैल्यू है। इंटीग्रिटी क्या है, वैल्यूज, वैल्यू आपके वैल्यू सिस्टम का पार्ट है। बड़ों से, बड़ों को रिस्पेक्ट देना क्या है, ये आपके वैल्यू सिस्टम का पार्ट है, ये आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, एक किस्म के आपके मूल होते हैं, आपके मूल सिद्धांत होते हैं जो बचपन से आपके अंदर कहीं ना कहीं इंकल्केट हुए होते हैं। और जहां तक बात की जाए आपके नॉर्म्स की, तो नॉर्म्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, नॉर्म्स को हम बोलेंगे प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो वैल्यू सिस्टम है, अब आप सपोज करते हैं आप रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट क्या है, ये एक वैल्यू है। नॉर्म क्या होगा, आप उस रिस्पेक्ट को किस तरह से बता रहे हो अपने से बड़े को, किस तरह से उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हो, किस तरीके से उसको आप एक फॉर्म दे रहे हो। जैसे कि भाई अगर मैं हूं, मैं अपने से बड़ों की इज्जत करता हूं तो भाई ये वैल्यू है, और अगर मैं उनके पैर छूता हूं तो पैर छूना क्या है, वो पैर छूना एक नॉर्म है, पॉइंट समझे। अगर मैं अपने से बड़े की इज्जत मान करता हूं तो मैं उनके नाम के आगे जी लगाता हूं तो वो क्या है, एक नॉर्म है, तो प्रतिमान है, मैं किस तरह से अपने वैल्यू को अपने सिस्टम में लेके आ रहा हूं, आप पॉइंट को समझे। यानी वैल्यू क्या है, वैल्यू एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, वैल्यू एक फिलोसफी आप कह सकते हो, वैल्यू एक आपके सोचने का नजरिया है। और नॉर्म क्या है, उस वैल्यू सिस्टम को किस तरीके से आप इस सोसाइटी में प्रेजेंट कर रहे हो, वो एक किस्म से क्या हो जाएगा, नॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया। देखिए, अब हम बात करते हैं कि आप नंबर ऑफ डेफिनेशंस वगैरह मैं अच्छे से समझाऊंगा वो जो फैक्चुअल है, पर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए, वैल्यू सिस्टम बनता है, नॉर्म्स कैसे बनते हैं, नॉर्म्स एक सोसाइटी में किस तरीके से आते हैं, इसको समझना है। देखो, होता क्या है, सपोज करते हैं, जैसे हम इसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे, रिस्पेक्ट वाली, हाँ भाई कि मैं अपने से बड़े का आदर मान करता हूँ, जब ये एक फीलिंग मेरे अंदर आई थी कि भाई हाँ भाई मैं अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करता हूँ या मैं अपने बड़ी इज्जत करता हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, शख्स क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है,
एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी रिस्पेक्ट को शो करने का डिफरेंट डिफरेंट जरिया ढूंढेगा, ठीक है, जैसे कि कोई पैर छुएगा, जैसे कि कोई पूरी तरह से बाउ डाउन करेगा, जैसे कि कोई क्या करेगा, नमस्ते करेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब होगा क्या, इन एक्सपेरिमेंट से आप सपोज करते आज आप उठ के आपने क्या किया, अपने माँ बाप को नमस्ते किया, ठीक है, या आप अपने अपने गुरुओं को नमस्ते किया, आपने अपने टीचर को नमस्ते किया, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप हाँ भी नमस्ते करना बहुत अच्छा लगा मुझे। अब ये एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा, वक्त के साथ आपको जब भी वो रिस्पेक्ट की भावना आएगी तो आप क्या करोगे, नमस्ते ही करोगे उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो होगा क्या, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। मैं बता रहा हूँ नॉर्म्स कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आते हैं, इसके अंदर मैं हर चीज कवर करूंगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीके से क्या कर रहे हो, मैंने आपको बताया आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, जब वो एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलर आपको सूट कर गया, आपको अभी आपको लगा नहीं नमस्ते करना इज वेरी गुड फॉर मी, मेरे को सूट करता है, तो आप क्या करोगे, जब भी आपके अंदर रिस्पेक्ट की भावना आएगी आप क्या करोगे, हर उस शख्स को नमस्ते करोगे। तो उससे क्या हो जाएगा, वो नमस्ते करना आपकी हैबिट के अंदर इनकल्केट कर जाएगा। अब ये हैबिट डिफरेंट भी हो सकती है, कोई नमस्ते करेगा, आपके भाई को माइट भी पैर छूना पसंद होगा, किसी और पर्सन को माइट भी सर झुकाना पसंद होगा, किसी को माइट भी जैपनीज की तरह एक बाउ डाउन करना पसंद होगा, कोई पूरी तरह से एकदम जमीन पर लेट जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स उनके अंदर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब वो हैबिट जो पूरी तरह से सोशली एक्सेप्टेड हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी या कलेक्टिवली एक्सेप्टेड हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है, आप पॉइंट समझे मेरी बात। अब क्या होगा, सबको लगा हाँ भाई यार पैर छूना माइट भी थोड़ा सा टीडियस है, माइट भी जापानीज के झुकना एक टीडियस है, जी मेरा मूड नहीं करने लगाने का। तो हुआ क्या, सबने क्या डिसाइड कर लिया, हाँ भाई आपका एक मिनट नमस्ते करना इज गुड, हम सब क्या करेंगे, नमस्ते ही करेंगे, ठीक है। सोशली एक्सेप्टेड हो गया कि भाई कोई भी बड़ा मिलेगा, कोई भी बड़ा बुजुर्ग मिलेगा, हमने क्या करना है, उसको नमस्ते करना है, ठीक है। एक सोसाइटल प्रेशर होगा कि भाई आप अपने से बड़े को मिल रहे हो, आप नमस्ते नहीं कर रहे हो, तो दुनिया आपको एक तीखी निगाहों से देखेगी, ठीक है ना। तो जब एक सोशली हैबिट को सोशली एक्सेप्ट किया जाता है तो वो हैबिट क्या बन जाती है, नॉर्म बन जाती है। आप पॉइंट को समझे मेरी बात को, नहीं समझे, मैंने क्या बताया कि भाई नॉर्म वैल्यू क्या है, वैल्यू है आप आपके मूल्य क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है ना, आपके अंदर का वैल्यू सिस्टम क्या है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी रिस्पेक्ट देना, ठीक है। उस सिस्टम को, उस वैल्यू सिस्टम को आप सोसाइटी में प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वायर नॉर्म्स कर रहे हो, प्रतिमान के थ्रू कर रहे हो, आप अपने से बड़े का हो रहे हो, आप ऑनेस्टी है तो आप भाई किसी भी तरह का कोई मतलब आप कह रहे हो कि आप वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर रहे, आप रिश्वत नहीं दे रहे हो, तो वो क्या एक नॉर्म है कि भाई मुझे रिश्वत वगैरह नहीं देनी है, ठीक है। आप सपोज करते हो स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में क्या है, स्कूल में है भी आपको एक ड्रेस कोड पहन के आना है, ठीक है ना। स्कूल में क्या है, एक किस्म से सिस्टम क्या है, वहाँ का वैल्यू सिस्टम क्या डेवलप हो रहा है कि भाई आप सबको एक डिसिप्लिन में लेके आना है, तो डिसिप्लिन क्या है, वो वैल्यू है। आप उसको नॉर्म कैसे आ रहे हो, आप ड्रेस कोड में आ रहे हो, है ना, प्रतिमान क्या उसका कि आप ड्रेस कोड में आ रहे हो, अब टाइम पे आ रहे हो, आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, आप 8 बजे स्कूल में जो पहुंच रहे हो, वहाँ पे सुबह प्रेयर हो रही है पहले, ठीक है ना। उससे क्या हो रहा है, आपके अंदर एक आपके अंदर इनकलकेट हो रहा है कि हाँ भाई सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, आपका एक टाइम फ्रेम टाइम टेबल डिफाइंड है वहाँ पे कि भाई 6 से 7 इसकी क्लास होगी, 7 से 8 इसकी क्लास होगी, 9 से 10 इसकी क्लास होगी, ठीक है ना, इतने से इतने ब्रेक होगा। तो क्या हो रहा है, वैल्यू सिस्टम से क्या क्रिएट हो रहा है, नॉर्म क्रिएट हो रहे हैं। अब नॉर्म्स सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट कैसे होते हैं, अब हजारों तरह की नॉर्म्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है ना, हजार वैल्यू सिस्टम को प्रेजेंट करने के 500 तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अज्यूम करो कि मैं किसी की इज्जत करता हूं, ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई मैं जाके उसको थप्पड़ मार दूं, यह भी तो एक नॉर्म हो सकता था ना। माइट भी किसी बंदे के मन में आया हो कि भाई अगर मैं इसकी इज्जत करता हूं मुझे इसको थप्पड़ मारना, बट वो सोशली एक्सेप्टेड नहीं हुआ, उसने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। उसमें से सबसे बेस्ट क्या लगा सबको कि नमस्ते करना बेस्ट है अभी सबसे, जब वो सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया, नॉर्म बन गया। अब वही नॉर्म, अब आपको पता है कि नमस्ते करेंगे तो दैट इसका मतलब क्या है, भाई ये बंदा मुझे इज्जत दे रहा है, इस बंदे के अंदर एक रिस्पेक्ट का वैल्यू सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो नॉर्म है, नॉर्म्स है, एक मिनट, अब क्या है, ये जो नॉर्म्स है जब ये और स्ट्रांग होते हैं, ये जो नॉर्म्स हैं जब ये और स्ट्रांग होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ट्रेडिशन बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं,
कस्टम बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक जमाने में नॉर्म रहा होगा कि हाँ भाई क्या, जब श्री राम अयोध्या में आए तो कुछ बम पटाखे चले। अब क्या हुआ, वो इतना स्ट्रांग हो गया वक्त के साथ कि अब हर दिवाली पे क्या होता है, बम पटाखे चलते हैं। तो क्या हो गया, वो ट्रेडिशन बन गया, वो कस्टम बन गया, ठीक है ना। अब जब ये कस्टम या ट्रेडिशन और रूढ़ी हो जाता है, मतलब और एग्रेसिव हो जाता है और रिजिड हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, मोर्स बन जाता है। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, मोर्स प्रोनाउंस करते हैं। सब बताऊंगा डिटेल में, और भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। पहले आपको एक बेसिक आइडिया डेवलप करना है कि चीजें क्या है, ठीक है ना। अब देखो वो क्या बन जाते हैं, मोर्स बन जाते हैं। पर आप बोलोगे इसमें फर्क क्या है, अब मोर्स में क्या, दोनों स्ट्रांग है। मोर्स में क्या है, आपके पुनिटिव एक्शन भी हो रहा है अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। जैसे अगर किसी को नमस्ते नहीं करते, ठीक है, क्या आपको के मार देगा, कोई गोली चला देगा, आपको रश कर लेगा, नहीं होगा ना। वो नॉर्म है, नॉर्म में कोई पुनिटिव एक्शन नहीं है, ट्रेडिशन में कोई पुनिटिव एक्शन नहीं है। बट जब वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि भाई आप कहोगे अगर वो चीज आप नहीं करो तो आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, ये सब मतलब नॉट लाइक लॉ वाला एक्शन, इनफॉर्मल एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोर्स। जैसे कि सपोज करते हैं मंदिर में, आपको पता है आप जूते लेके नहीं जा सकते, ठीक है ना। अगर आप सपोज करते हैं मंदिर में जूते लेके चले जाते हो, एक नॉर्म है ना मंदिर में जूते लेके नहीं जाना, अज्यूम करते हैं आप मंदिर में जूते लेके चले जाते हो। अगर आप मंदिर में जूते लेके चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली माइट भी वो मंदिर का पुजारी आपको छप्पड़ मार के बाहर निकाल दे, एक पुनिटिव एक्शन हुआ ना आपके खिलाफ। माइट भी ऐसा हो जाए कि आपका मंदिरों में जाना ही बंद हो जाए, आपको आपको डिबार कर दिया जाए कि आप आज के बाद कभी मंदिर में नहीं आओगे। तो जब ये नॉर्म्स और रूढ़ीवादी हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, मूड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जब ये जो मूड्स होते हैं, ठीक है, अब आपके अब जब ये मूड्स मतलब लगातार चलते रहते हैं, ठीक है, तो यही मूड्स क्या करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है ना। जब इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन वो संस्था होती है जिसके अपने डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी ने एक्सेप्ट किए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन। जैसे कि मैरिज, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके आपको, क्या मैरिज, मैरिज क्या है, अपने आप एक इंस्टीट्यूशन में एक डिफाइंड सेट रूल्स है, भी ऐसे ऐसे मैरिज है, ठीक है, आपने दो बंदों ने इस तरह से रहना है और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो मूड्स ओवर रूढ़ीवादी हो जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। और यही इंस्टीट्यूशंस आगे जाके इन्हीं के बेसिस पे बनता है आपका लॉ बनता है, इन्हीं के बेसिस पे क्या बनता है, आपका लॉज बनते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट मैनर में लॉ बनते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन मैरिज, ठीक है ना, तो आपका क्या हिंदू मैरिज एक्ट है, आपका क्या मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉज है। ओवरऑल मैंने क्या बताया, वैल्यूज में क्या बताया मैंने आपको, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आपके सिद्धांत होते हैं, कुछ सिस्टम होता है, वो रिफ्लेक्ट आप करते हो वाया नॉर्म्स प्रतिमानों के थ्रू। अब नॉर्म्स मैंने बताया बनते कैसे हैं, मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक आपकी हैबिट बनती है, वो हैबिट सोशली एक्सेप्ट होती है, वो सोशली जो एक्सेप्ट होती है वो ऑटोमेटिकली नॉर्म बन जाती है सोसाइटी का। जब वो सोसाइटी का नॉर्म बनती है, वो जो जब वो रिजिड होते हैं तो वो ट्रेडिशंस में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो ट्रेडिशंस हैं, जब इनके साथ पुनिटिव एक्शन जुड़ जाता है, जब मतलब ये और रिजिड हो जाते हैं और पुनिटिव एक्शन इनके साथ जुड़ जाता है, तो उनको मोर्स बोलते हैं। और ये मोर्स ही आगे जाके क्या कन्वर्ट, मतलब इन्हीं के बेसिस पे क्या बनते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, जैसे मैरिज। और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को मद्देनजर रखते हुए क्या बनते हैं, आपके लॉज बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हुआ जितना मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है। अब अगर आप इतना हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैं बात करूं नॉर्म्स की, तो वही देखें क्या है, नॉर्म्स क्या होते हैं, दे आर एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। क्या तो क्या होता है, दे आर एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी जो कल्चरल कंस्ट्रक्टेड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड एंड रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर इन स्पेसिफिक सिचुएशन विद इन अ सोसाइटी। ये बताते हैं क्या कि भाई आपका ये एक सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं, ठीक है ना, जो गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को कि भाई इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। जैसे मैंने बताया कि रिस्पेक्ट देनी है तो क्या करना है, नमस्ते करना है, तो नमस्ते करना क्या है, एक नॉर्म है। अब वो काइंड ऑफ क्या बन गया, रूल ही बन गया होगा कि हाँ भाई नमस्ते, अगर किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो नमस्ते करना, पैरे पड़ना है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि अब एक चीज और है कि अब देखो एक चीज और आपने समझना है कि जो नॉर्म्स है ना, ये
मतलब वेरी भी करते हैं, ठीक है ना। अब वो चलो मैं आगे जाकर समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्या बताया, पर्पस। अब पर्पस क्या है देखा जाए नॉर्म्स का, अब आप खुद बताओ क्या आपके ख्याल से पर्पस होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये किस्म एक किस्म की गाइडलाइंस है, ठीक है ना, जो डिस्टिंग्विश करती है अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को, कि भाई अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, जो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म है वो क्या है, नमस्ते करना। इनअप्रोप्रिएट क्या है, कि हमें थप्पड़ मारना, किसी का किसी ने बना दिया अपने लिए नॉर्म वो, पर वो सोशली एक्सेप्टेड नहीं था, एक हैबिट थी, वो नॉर्म तक पहुंचा ही नहीं कभी। तो एक किस्म से मैं कह सकता हूं कि जो नॉर्म्स हैं ये क्या डिफाइन करते हैं, ये आपके अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया सारा। अब नॉर्म्स की अगर हम देखें, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या दिया, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दिए, ठीक है। अब अगर हम यंग एंड मैक बात करें तो उसने क्या बोला है कि नॉर्म्स क्या है, उसने बोला कि भाई जो नॉर्म है, तो नॉर्म्स क्या है, एक ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशन है, ये वो एक्सपेक्टेशन है जो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जैसे पिछले एग्जांपल में अच्छी तरह आपको समझाया मैंने कि भाई सोशली एक्सेप्ट हो गया, आप सब वही चीज कर रहे हैं, तो आपने क्या ध्यान रखना है, यंग ने क्या बोला कि ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एच एम जॉनस की बात करें तो एच एम जॉनस ने क्या बोला कि ये क्या एक एब्स्ट्रैक्शन है कि माइंड में होता है, सेट सर्टेन लिमिटेशन फॉर बिहेवियर, तो बिहेवियर को लिमिट करता है। तो जॉनसन ने क्या बात की, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बोला इसको, नॉर्म को क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बोला किसने, जॉनसन ने, और यंग एंड मैक ने क्या बोला, ग्रुप शेयर बिहेवियर बोला। रॉबर्ट बिलस्टेड ने क्या बोला कि जो नॉर्म है क्या है, वो एक रूल है या एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्या बोला, एक रूल है और स्टैंडर्ड दैट गवर्न्स अवर कंडक्ट इन द सोशल सिचुएशन इन विच वी पार्टिसिपेट। तो बताता है आपको कि अगर आप एक सोशल सिचुएशन में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपके क्या रूल्स होंगे, किस सेट ऑफ स्टैंडर्ड को आपने फॉलो करना है, कि भाई अगर मैं एक सपोज करते पार्टी में जा रहा हूं तो भाई एक नॉर्म है वहां पे, क्या नॉर्म है कि भाई ऑब्वियसली बात है मैं अंडरवेयर में नहीं जाऊंगा वहां पे, या एक सेट ऑफ नॉर्म है कि वहां मैं बॉक्सर पहन के नहीं चले जाऊंगा, वहां मैं एक सूट पहन के जाऊंगा, वहां मैं उस पार्टी के अकॉर्डिंगली ही जाऊंगा, ठीक है ना। तो एक सेट ऑफ रूल्स है। आगे क्या बोला उन्होंने, नॉर्म कैन बी ट्रीटेड एज ए कल्चरल स्पेसिफिकेशन दैट गाइड्स और अवर कंडक्ट इन सोसाइटी। ये कल्चरल स्पेसिफिकेशन, ये भी समझने की जरूरत है कि जो नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं हर जगह। आज हमारे लिए नॉर्म है क्या कि भाई हमें ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना, काइंड ऑफ एक, अब तो चलो कस्टम बन गया वो एक नॉर्म है कि हमें नहीं खाना, बट जरूरी नहीं है ना ऐसा हर जगह पे है। अब अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाओगे वहां पे वो खाएंगे, यहीं पे इंडिया में भी कहीं जगहों पे खाएंगे उसको, ठीक है ना, वहां पे नॉनवेज खाएंगे वो। तो जो ये कल्चरली कल्चर का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि नॉर्म्स क्या है क्या नहीं बनेंगे, ये भी मैं आगे से समझाऊंगा किस तरह से होता है, ठीक है। तो नॉर्म्स हमें मोटा मोटा हम कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करते हैं हमारी लाइफ के आगे पीछे के। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अब पहले समझते हैं कि नॉर्म्स जो हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं, देखो इसको यहां पे करते हैं, मैं बात करूं भाई जो नॉर्म्स हैं वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं। अब देखो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे नॉर्म्स क्रिएट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल पैरामीटर, उसके बेसिस पे भी आप नॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब आप सोचोगे एनवायरमेंट के बेसिस पे कैसे, एग्जांपल लेके चलते हैं टेम्परेचर को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, या तो टेम्परेचर हॉट होगा या तो टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड होगा। अगर टेम्परेचर क्या है, हॉट है, गर्म है, तो आप वहां पे पहन पाओगे या आप वहां पे जैकेट्स वगैरह पहन पाओगे, नहीं पहन पाओगे ना। वहां पे आप क्या पड़ोगे पहनोगे, वहां पे आप लूज कपड़े पहनना पसंद करोगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ, साउथ इंडिया में लोग क्या पसंद करते हैं, लुंगी पहनना पसंद करते हैं, खुले खुले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि साउथ इंडिया जो है वहां पे गर्मी ज्यादा है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। सिमिलर मैनर में अगर आप नॉर्थ इंडिया में आ जाओ, वहां टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है, तो वहां आप देखोगे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं, आपके जैकेट होंगे। वहां का नॉर्म क्या है, जैकेट वगैरह पहनना। हॉट एरिया का नॉर्म क्या है, लूज कपड़े पहनना। सेम चीज अगर मैं उसे देखूं तो आप देखोगे, अगर मैं लिकर की बात करूं, शराब की बात कीजिए,
देखोगे हॉट एरिया में लॉजिक नहीं है शराब पीने का, ठीक है ना। शराब कहाँ पी जाती है ज्यादा? कोल्ड एरिया में। क्यों? वहां पे आपको पता है जैसे रम होगी या ब्रांडी होगी वो क्या करती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर को हाई रखती है। आप देखोगे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे लिकर उनके कस्टम का पार्ट है, उनके ट्रेडिशन का पार्ट है, ठीक है ना, वो उनके कल्चर का पार्ट है। वो जैसे हम पानी पीते हैं, वो दोपहर को खाने के साथ दिल हैव अ ड्रिंक, क्यों? कि वो बॉडी को वार्म रखते हैं, वो उनके कल्चर में है कि वहां पे ठंड इतनी है तो वहां पे लिकर वगैरह पियेंगे। हॉट कंट्री में वो अलग बात है, नशे वगैरह के लोग पीते हैं वो अलग एक स्टोरी है, पर हॉट कंट्री में लोग क्या करते हैं, वहां पे लिकर का सेंस नहीं बनती है हमारे। इसलिए आप देखो इंडियन सोसाइटी में लिकर को एक टैबू माना जाता है, माना जाता है कि भाई ये पी रहा है खराब है वो, जबकि यूरोपियन सोसाइटी में अगर कोई लिकर नहीं पिए तो पूछेंगे भाई क्या चक्कर है, ठीक है ना, तू दारू क्यों नहीं पी रहा, व्हाई आर यू हैविंग अ कप ऑफ ग्लास ऑफ वाइन। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स है, जो आपके आगे पीछे के पैरामीटर्स है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, आपकी नॉर्म्स को डिफाइन करने के लिए। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। साथ ही साथ मैं बात कर सकता हूँ रिसोर्सिस की, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब रिसोर्सिस हैं वो भी डिफाइन करते हैं आपके नॉर्म्स को। एग्जांपल के तौर पे या तो रिसोर्सिस अगर सपोज करते हैं एक कम्युनिटी एग्रीकल्चर, एक जगह है जहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। अब जहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे उस बंदे के पास चॉइस है कि वो वेज वेज भी खा सकते हैं और नॉन वेज भी खा सकते हैं, चॉइस है। बट अगर जगह है वहाँ पे सहारा डेजर्ट या कोई ऐसी जगह है वहाँ पे एग्रीकल्चर है ही नहीं, अफ्रीकन आप लगा लो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री हो, तो वो प्योरली किस पे डिपेंड करेगा, नॉन वेज पे, क्योंकि तो वहाँ पे एग्रीकल्चर है ही नहीं, तो उसके कल्चर का पार्ट क्या बन जाएगा, नॉन वेज। अब ये नहीं बोल सकते कि नॉन वेज जो खा रहा है वो गलत है या जो वेज खा रहा है वो सही है, वो उसके कल्चर का पार्ट है। आप इस पॉइंट को समझ पाए हो? एक एग्जांपल लेके देख समझते हैं। अब देखो अगर आप एक जापानीज कल्चर ले लो और एक आप ले लो एस्किमो, आपको पता है एस्किमोज होते हैं साइबेरिया वगैरह में आपको पाए जाते हैं। अब देखो जापानीज कल्चर में क्या होता है, जो ओल्ड एज है उसको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा रिवर करते हैं, ठीक है ना। कोई भी शख्स 100 के ऊपर होता है, एक उनकी ईटिंग हैबिट है, उनकी सोसाइटी भी काफी ज्यादा एडवांस है, तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी हाई है। तो वहां पे जो ओल्ड बंदा है उसकी एज की लंबी होने की मनोकामना की जाती है, वहां पे जो ओल्ड पर्सन है उसको रिस्पेक्ट की जाती है, किया जाता है। ये स्कीमोज में ऐसा नहीं है, पढ़े इसके बारे में। आप देखिए स्कीमो में जब कोई शख्स 50 क्रॉस करता है तो दे प्रेफर कि वो बंदा मर जाए, नॉर्म है, तो इट बिकम अ नॉर्म है कि स्कीमो वहां पे रिसोर्सेज कम है। अगर एक बुजुर्ग बंदा ज्यादा लंबा जीवन जिएगा तो वहां के रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, जो बच्चा नया जन्म है उसको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो वहां एक सेलियंट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई एक एज के बाद जे एक्सपेक्ट, मतलब आपकी जो एडवांस हो गई सोसाइटी फ्रेम की, भाई ये शख्स मर जाए अगर 50 क्रॉस कर गया, भाई इसका जाना, इसका बनता जाना, इसको पहले जाना चाहिए एक बच्चे को। तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्कीमोज गलत हैं या जापानी सही है। तो नॉर्म्स जो होते हैं वो उस पर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जो एक एरिया के नॉर्म्स को डिफाइन करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया। इधर आते हैं नेचर, और अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो मैं कह सकता हूँ क्या कि कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें नॉर्म्स के कि क्या कैरेक्टरिस्टिक, अब इतना हमने पता, क्या हमें पता चला, हम कह सकते हैं कि भाई ये पार्ट ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी को वर्क करने के लिए इट इज हाईली इंपॉर्टेंट क्या हो, नॉर्म्स हो। इमेजिन करो आप सुबह उठते हो, आपका आपका एक सेट स्टैंडर्ड है कि भाई मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे स्कूल के लिए निकलना है, भाई 8 बजे मेरी प्रेयर होगी, 8:30 बजे मेरी क्लास बैठ जाएगी, ठीक है ना। आपका सेट ऑफ नॉर्म्स है, डिफाइंड है, आपको पता है मुझे सुबह उठ के करना क्या, क्योंकि नॉर्म्स ही ना, आप सुबह उठे आपको पता नहीं क्या करना है मुझे, दैट इज डेंजरस फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए चीज़ सही नहीं है। मैं कह सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज एज एन इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ सोसाइटी। दूसरा पॉइंट मैं कह सकता हूँ इनका, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ये ग्रुप बिहेवियर को क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। भाई एक ग्रुप है वहाँ पे अगर कोई शख्स सपोज करते हैं कोई छोटे बच्चे हैं और वो क्या कर रहा है, 5वीं 6ठी क्लास का बंदा और लगातार गालियाँ निकाल रहा है, तो क्या हो रहा है,
ये ग्रुप बिहेवियर के अगेंस्ट बात है, सब बच्चे उसको क्या करेंगे, एक गलत निगाह से देखेंगे यार ये इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहिए मुझे, क्योंकि वो एक सोसाइटी और नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो जो नॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, वो रिलेशनशिप्स को गवर्न करते हैं, ठीक है ना। भाई आपको पता है कि आपके फादर है और आप बेटी हो, ठीक है ना, तो आप क्या करें, या आप बेटी हो तो आपको उनको इज्जत मान देना, तो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है ना कि भाई आपने अपने भाई को इज्जत मान देनी है, अपने भाई के साथ रहना है, आपने अपनी माँ बाप को क्या करना है, इज्जत मान देना है, तो एक रिलेशनशिप गवर्न करते हैं। साथ ही साथ नॉर्म्स क्या करते हैं, इंट्रैक्शन क्रिएट करते हैं अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। अगर आप किसी को नमस्ते करते हो तो आगे से बंदा भी आपको नमस्ते करता है, एक रिटन वो है, मतलब एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो हम जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हो, एक नॉर्म क्या है कि देयर इज प्रोहिबिशन ऑन इंसेस्टेशियस रिलेशनशिप्स अमंग सिबलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम यंगर टू एल्डर मेंबर विद इन द फैमिली डायनेमिक्स। तो आप जैसे आप इंटीमेट नहीं हो सकते अपनी डायरेक्ट रिलेशन में किसी के साथ, तो ये क्या है, नॉर्म है ना, डिफाइंड है कि भाई आप अपने फैमिली के बाहर ही देखो शादी करते हो, विद इन शादी नहीं करते हो, ठीक है ना। अब वो भी चेंज होता है, पर इंसेस्ट है वो हर जगह पे क्या है, डिफाइंड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है, एक आपका कॉमन नॉर्म है, कॉमन नॉर्म है, आगे जाके मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ नॉर्म में, ठीक है। ताकि कॉमन नॉर्म क्या होते हैं, एसोसिएशन नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिलेशन टू वैल्यू, तो क्या बात आती है कि भाई क्या बोलते हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैल्यू जजमेंट, नॉर्म्स इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट्स एंड रिप्रेजेंट स्टैंडर्डाइज जनरलाइजेशन रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर। वही बात जो मैंने आपको समझाई कि वैल्यू के बेसिस पे कि भाई आपकी जो क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, आपकी जो मूल्य है, जो आपकी वैल्यू सिस्टम है, ठीक है ना, वो डिफाइन करते हैं आपके नॉर्म्स को। तो बेसिस ऑन वैल्यू वही जो मैंने आपको पहले समझाया, बेसिस ऑन वैल्यू दे आर ग्राउंडेड इन द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ सोसाइटी फैसिलिटेटिंग द जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग और गुड और बैड। कि वैल्यू सिस्टम जो है वो नॉर्म सेट करता है और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, रिलेशन टू फैक्चुअल वर्ल्ड, क्या ये क्या बता रहा है, आप देखो इसको पहले पढ़ो फिर आप समझो, कि मैंने ये पहले भी समझा दिया आपको। क्या ऑपरेशनल नॉर्म इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिस्ट एम्फेसाइज ऑपरेशनल नॉर्म, ठीक है ना, डोज दैट कैन बी सैंक्शनड विद पेनल्टी फॉर नॉन कंफॉर्मिटी। भाई जो अगर आप नहीं करो तो भाई आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएंगे। जैसे ये क्या बता रहा है, नॉर्म्स मस्ट कंसिडर द फैक्चुअल सिचुएशन, नॉर्म्स जब भी बन रहे हैं आपको फैक्चुअल सिचुएशन को कंसिडर करना है, ठीक है। For instance, a norm allowing multiple wives is valueless if sex ratio does not permit it. भाई अगर आप multiple wives रख रहे हो, ठीक है, वो वहाँ पे logical है जहाँ sex ratio disrupted है, जहाँ आपकी जो female है वो ज़्यादा male कम है, वहाँ पे logical बात है। पर जहाँ पे ऐसा कोई system है ही नहीं, वहाँ पे इस तरह का norm create करना logical नहीं है, sustainable नहीं है, वो norm चलेगा नहीं। जैसे example के तौर पर मैंने अभी आपको समझाया, भाई अगर आप हॉट एरिया में जैकेट्स वगैरह पहनना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप नॉर्म क्रिएट भी कर दोगे, कोशिश भी करोगे, पहले तो क्रिएट ही नहीं होगा, कोशिश भी करोगे क्रिएट होने की, तो वहाँ पे वो चलेगा नहीं। तो आपको फैक्चुअल ओरिएंटेशन को साथ लेके चलना है, फिर जाके आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्म को सेट कर सकते हो सोसाइटी के अंदर, ठीक है। रोल इन सोसाइटी क्या, कि भाई इट इज़ नेसेसरी, किसके लिए नेसेसरी है भाई, इट इज़ नेसेसरी फॉर सोशल ऑर्डर के लिए नेसेसरी है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए नेसेसरी है। मैंने आपको बताया कि सोशल ऑर्डर क्या है, मेंटेन रहता है, जैसे कि एक नॉर्म है कि हमें क्या है, हमें वुमेन की इज्जत करनी चाहिए, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, ये एक सेट ऑफ नॉर्म है। अगर हम इस नॉर्म को डिस्टर्ब करते हैं तो सोशल ऑर्डर क्या होता है, खराब होता है, ठीक है ना। एक सेट ऑफ नॉर्म है कि भाई हमें अपने से बड़े की इज्जत मान करिए, एक इंडिविजुअल बिहेवियर है उसको क्या कर रहे हैं, नॉर्म क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है आपको, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, आप रेगुलेट कर रहा है। पर अगर आप इसको नहीं करोगे तो क्या होगा, सोशल ऑर्डर आपका जो है वो खराब होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि भाई जो नॉर्म्स हैं, अब देखो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई अब देखो नॉर्म्स भी एक काइंड ऑफ दो तरीके से हो सकते हैं, एक मिनट, हाँ, एक आपका एक चीज और लिख सकते हैं कि पर्सनल नॉर्म्स हो सकते हैं और सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं। पर्सनल नॉर्म के आपके इंडिविजुअल नॉर्म्स के, कि भाई आपने डिफाइन किया अपने लिए कि भाई मुझे सुबह 5 बजे उठना है, ये आपका पर्सनल नॉर्म है, आपका पर्सनल नॉर्म है कि भाई मुझे 5 बजे उठना है, 5:30 मुझे मंदिर जाना है, पर्सनल नॉर्म है। आपने अपने लिए एक सेट ऑफ रूल डिफाइन किया हुआ है, आपने अपने लिए भाई अपने वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक नॉर्म्स क्रिएट किया, ठीक है ना। दूसरा एक सोशल नॉर्म होगा, सोशल नॉर्म क्या होगा कि भाई आपको अगर कि आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, सोशल नॉर्म है, आपको आपको स्कूल आपको एजुकेशन लेनी है, सोशल नॉर्म है, ठीक है ना। आपको आपको किसी गरीब पर्सन की हेल्प करनी है, आपको किसी पर्सन की हेल्प करनी है, सोशल नॉर्म है।
अब एक पॉइंट और समझना कि नॉर्म्स जो है उनका सैंक्शंस के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो एक नॉर्म की वैल्यू या एक नॉर्म की इंपॉर्टेंस या एक नॉर्म एग्जिस्ट तब तक करेगा जब तक सैंक्शन होगी उसके साथ। अगर नॉर्म के साथ सैंक्शन नहीं जुड़ी है तो नॉर्म एक सिस्टमेटिक मैनर में नहीं चल पाएगा। अब सैंक्शन क्या हुआ, एक रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सैंक्शन क्या हो सकता है, अब सैंक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का मतलब क्या है, भाई आप सुबह स्कूल आपको 7 बजे पहुंचना था, आप 7:30 पहुंच गए, क्या होगा, नॉर्म था 7:30 7 बजे पहुंचना, आप नहीं पहुंच पाए, हुआ क्या, आपको सैंक्शन लगेगी, आपको बाहर पीरियड में खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव सैंक्शन, ठीक है ना। वेयरएज पॉजिटिव सैंक्शन भी हो सकती है, आप किसी रोड पे हो, वहां पे आपने देखा कोई बूढ़ी औरत वो रास्ता क्रॉस करने लग रही है, तो आपने क्या कर दिया, उस बूढ़ी औरत की हेल्प की और आपने क्या कर दिया, वो रास्ता क्रॉस करवाया। किसी ने सामने से देखा, क्या होगा, वो आपको प्रेज करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव सैंक्शन है। माइट बी वो आपको कोई अवार्ड दिया जाए उस चीज के लिए, ठीक है ना। नेगेटिव सैंक्शन भी होती है और पॉजिटिव सैंक्शन भी होती है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्म्स की इंपॉर्टेंस क्रिएटेड सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल होती है, ये लिखा जैसे यहाँ पे सेम चीज लिखी है कि नॉर्म्स आर एनफोर्स्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंक्शन विच कैन बी इनफॉर्मल और फॉर्मल, ठीक है ना। जैसे इनफॉर्मल में बताया मैंने आपको कि सपोज करते हैं आपने किसी बूढ़ी औरत की मदद नहीं की तो आपको अलग नजर से देखा जाएगा, आपको एक डिसअप्रूव एक ग्लांस दिया जाएगा, ठीक है ना। वो फॉर्मली क्या हो गया कि भाई आपको फाइन हो सकता है, माइट बी कोई आपके वो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें डिफाइंड है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल दिया ड्रेस नॉर्म की, कि ड्रेस नॉर्म जो है इन सोसाइटी आर एनफोर्स थ्रू सोशल सैंक्शन सच एज एम्बैरेसमेंट और एडमायरेशन। अगर आप अच्छा कुछ पहन के जाओगे किसी एक फंक्शन में तो आपको एडमायरेशन दी जाएगी, और अगर आप कुछ बेकार से पहनोगे तो आपको क्या होगा, एक एम्बैरेसमेंट, आप यू विल फील दैट एम्बैरेसमेंट, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या आ गया, इंटररिलेशन विद वैल्यू। देखो मैंने काफी डिटेल बनाया ये, अगर आप ये भी अच्छे से पढ़ जाओगे मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। अब इंटररिलेशन विद वैल्यू बोल रहा है, डिस्टिंग्विशिंग नॉर्म एंड वैल्यू। कि देखो नॉर्मली लाइफ में ना नॉर्म्स और वैल्यू को इकट्ठे लिया जाता है, आप इसको एक साइनोनिम की तरह यूज करते हो, बट दोनों में फर्क है, ठीक है ना। अब नॉर्म मैंने बताया, वैल्यू मैंने बताया, थोड़ा जनरलाइज्ड गाइडलाइन है, नॉर्म थोड़ी सी स्पेसिफिक गाइडलाइन है ना। तो डिस्टिंग्विश करेंगे तो उस पर पढ़ते हैं। व्हाइल ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल सोशियोलॉजिस्ट कि नॉर्म वैल्यू को इकट्ठे यूज करते हैं, बट सोशियोलॉजिस्ट ने इन पे डिफरेंस किया हुआ है। अब उसने क्या बोला कि नॉर्म क्या है, वो एक काइंड ऑफ वो रूल्स है सोशल ऑर्डर, कि नॉर्म एक स्पेसिफिक बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, वही बात है। देखो बार बार ठीक है, आप अगर कक्ष समझ लोगे आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को कट कर लोगे, एक स्पेसिफिक बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। वो बताते हैं कि एक ब्रॉडर प्रिंसिपल्स आप जो कि जो वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू क्या है, ब्रॉडर प्रिंसिपल की बात है। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्म क्या है, मथा टेकना, नॉर्म क्या है पैर पुछना, नॉर्म क्या है हाथ जोड़ना, वैल्यू सिस्टम क्या है रिस्पेक्ट देना, ठीक है ना, एक ब्रॉडर प्रिंसिपल बता रहे हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स की, तो देखो अलग अलग टाइप के नॉर्म्स होते हैं। एक मिनट देखो, सबसे पहले क्या आ गया, कम्युनल और एसोसिएशनल नॉर्म, ठीक है। अब कम्युनल नॉर्म क्या हो गया, जो कॉमन नॉर्म है ओवरऑल सोसाइटी का, जैसे कि अगर कोई मिलता है आप हेलो करते हो, ठीक है, कॉमन नॉर्म है ना, हर बंदा फॉलो करता है, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर यही होता है, कहीं पे भी जाओगे हेलो करेंगे बंदे आपको। एसोसिएशनल नॉर्म क्या होगा, जो स्पेसिफिक होता है, जैसे कि हिंदू धर्म में जो हायर कास्ट होता है, जैसे कोई ब्राह्मण होता है वो तो क्या पहनता है, जनेऊ पहनता है, ही परफॉर्म द द्विज सेरेमनी, ठीक है ना, तो जनेऊ पहनेगा। अब ये स्पेसिफिक है ब्राह्मण में, वो भी किसके, हिंदू धर्म के ब्राह्मण के अंदर स्पेसिफिक चीज है। क्या यूरोपियन को पर्सन पहनेगा, ये नहीं पहनेगा भाई। एसोसिएशनल नॉर्म क्या होता है, थोड़ा स्पेसिफिक होता है वो थोड़ा, क्योंकि कम्युनल नॉर्म क्या होगा, नाम से कम्युनल है तो आप ये नहीं कि रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू जाओ इसमें, कम्युनल मतलब कॉमन है जो हर चीज को लेके, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स होते हैं। अब प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म क्या होता है, डिफाइंड है, आपको सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है आपको स्कूल में जाना है, तो भाई आपको 7 बजे जाना, 7 से 7:30 आपकी प्रेयर होगी, प्रिस्क्राइब्ड है आपको ऐसे बिहेव करना, प्रिस्क्राइब्ड है आपको मैरिज में कैसे बिहेव करना, प्रिस्क्राइब्ड है भाई अगर आपको सपोज करते हैं किसी फ्रेंड को मिल रहे हो, तो एक प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई आपको एक ब्रो कोड को मेंटेन करना है,
ठीक है ना, आप मतलब आप एक सोसाइटी ने एक चीजें क्रिएट की हुई है, ठीक है ना। प्रोस्क्रिप्टिव की बात करें तो क्या है प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, जो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है ना। पर्सनल चॉइस में क्या रहता है, जैसे कि भाई आप जैसे वही थी कि भाई आप किसी ओल्ड लेडी की मदद करते हो कि नहीं करते, प्रोस्क्रिप्टिव है, मर्जी आपकी भाई करोगे नहीं करो, प्रिस्क्राइब नहीं है कहीं पे। जबकि कुछ चीजें हैं वो प्रिस्क्राइब्ड है कि आप अच्छा किसी आप सपोज करते पार्टी में जा रहे हो तो क्या एक एक, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है भी वहां पे जा रहे हो तो यू कैनॉट वेयर बॉक्सर्स, ठीक है ना। प्रोस्क्रिप्टिव क्या हो जाएगा कि भाई सपोज करते हैं आपने आज रेड पहनना है कि ब्लैक पहनना है, आपको ज्यादा ब्लैक सूट करता है कि रेड सूट करता है, वो आपके प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स आ गए। अब आगे जाओगे तो अभी इसमें पूरा चैप्टर है फोक वेज मोर्स इसके ऊपर, तो नॉर्म्स का ही एक एक, एक आप कह सकते हो एक, एक ब्रांच आ जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे फोक वेज मोर्स टैबूस या लॉस। अब इसको मैं आगे जाके डिफाइन करूंगा कि भाई ये जो है ये क्या होती है, ठीक है। अब अभी क्योंकि चैप्टर हमने पढ़ना ही है तो वहां पे हम पढ़ लेंगे इसको, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा इस बारे में। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोशल नॉर्म्स की, यूनिवर्सल प्रेजेंस है इनकी, जैसे कॉमनल नॉर्म्स है सोशल नॉर्म्स है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैल्यू जजमेंट है कि आपका क्या सिस्टम है, भाई आपको वैल्यू सिस्टम को अपने अंदर उसको साथ में लेके चलना, ठीक है। रिलेटिवली अक्रॉस सोसाइटी, मतलब सारी सोसाइटी में जब हेलो बोलते सबको, हर जगह पे हेलो बोला जाता है या हर जगह जाके आप एक क्या करते हो, एक एक विश करते हो किसी को, ठीक है। देन देयर इज फंक्शंस ऑफ नॉर्म्स। अब देखो अगर हम फंक्शंस ऑफ नॉर्म्स की बात करें, क्या फंक्शन है नॉर्म्स के, ठीक है। पहला आ गया इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस, कि नॉर्म्स जो है वो इंटेग्रल पार्ट बन जाते हैं टाइम के बाद सोसाइटी के, ठीक है ना। सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए दे आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर वो नॉर्म्स नहीं होंगे तो क्योस क्रिएट हो जाएगा, सोसाइटी सोसाइटी की तरह काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। देन अगेन वो दे रेगुलेट द बिहेवियर, कि भाई बिहेवियर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, सेल्फ कंट्रोल बताते हैं, आपको पता है कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप एक एक, एक एनिमलिस्टिक बिहेवियर नहीं रखते, एक सोशल कोहिजन क्रिएट करते हैं क्योंकि सब लोग आपस में एक कोहेसिव मैनर में रहते हैं, एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में आप फ्लॉरिश करते हो, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें नॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नॉर्म्स मैंने क्या बताया आपको, नॉर्म्स आर फंडामेंटल टू फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, शेपिंग बिहेवियर, मेंटेनिंग ऑर्डर, प्रोवाइडिंग ए नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क फॉर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। देयरफॉर देयर एनफोर्समेंट थ्रू सैंक्शंस, और कैसे एनफोर्स होते हैं, सैंक्शंस थ्रू एनफोर्स होती है, इंटर रिलेटेड है किससे, वैल्यूज से, और वही जो सारी बातें मैंने बताई उसका क्रक्स है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया एनफोर्स कैसे होता है, अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्म्स आर एनफोर्स थ्रू, तो ऑलवेज रिमेंबर द आंसर इज सैंक्शंस। क्या नॉर्म्स में सैंक्शंस होती हैं, हाँ भाई होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा देखो जो टॉपिक आता है वो कौन सा आ जाता है, सोशल वैल्यूज, ठीक है। अब देखें मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी ये वाली, ठीक है। पर आते हैं हम सोशल वैल्यूज पे आते हैं। अब सोशल वैल्यूज क्या है, देखो वैल्यू क्या चीज होती है, मैंने आपको अभी बताया कि एक मिनट, हाँ देखो वैल्यू मैंने आपको बताया वैल्यू क्या है, वैल्यू होती है मूल्य, आपके मौलिक आप कह सकते हो सिद्धांत, या आपके जो एक एक वैल्यू सिस्टम है आपका, ठीक है ना। अब वैल्यू की अगर आप बात करें तो वैल्यू क्या आपके बिलीफ सिस्टम से निकला हुआ, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या करते हैं, मैं कह सकती हूँ जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं एक बिहेवियर को, ठीक है ना। कल्चरल स्टैंडर्ड डिफाइन समथिंग एज गुड एंड डिजायरेबल, प्रोवाइडिंग जनरल गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर, ये बताते हैं कि भाई क्या चीज़ गुड सही है और क्या डिजायरेबल है, और एक जनरल गाइडलाइन देता है भाई, हाँ भाई मुझे रिस्पेक्ट देनी है अपने से बड़ों को, हाँ भाई मुझे ऑनेस्टी को एंडोर्स करना है, मुझे इंटीग्रिटी के हिसाब से चलना है, मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है लोगों को, ठीक है ना, मुझे इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, ये सब क्या है, ये आपका वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम है, ठीक है ना। बट ऐसा तो नहीं है ना कि वैल्यू को आप देख सकते हो, ठीक है ना, वैल्यू को आप शो कैसे करोगे, वाया वेरियस नॉर्म्स, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है इट इज मोर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ठीक है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये इंटेंजिबल चीज है, इसको कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट सेंटीमेंट्स और आइडियल्स, ऑफरिंग फाइनल मीनिंग एंड लेजिटिमेसी टू सोशल अरेंजमेंट एंड बिहेवियर, ठीक है ना। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये क्या है, ये आपकी एक सोशल वैल्यू है,
ठीक है, और ये हाईली डिजायरेबल क्या इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना भाई। क्योंकि वैल्यू सिस्टम को आप क्या करते हैं, कोई सपोज करते हैं कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो रोज सुबह टाइम पे उठता है, वो अपने अगर 24 घंटे हैं तो वो हर एक मिनट का हिसाब रखता है, ठीक है ना। तो आप उससे इम्प्रेस होते हो, आप ट्राई करते हो कि वो वैल्यू सिस्टम आप अपने अंदर इंकलकेट करो। आप देखते हो एक पर्टिकुलर पर्सन डिसिप्लिन है बड़ा ज्यादा, तो आप ट्राई करोगे कि भाई वो वैल्यू सिस्टम आप अपने अंदर इंकलकेट करो, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। अब बट एक जो सोशल वैल्यू सिस्टम है और जो इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम है वो वैरी कर सकता है। अब एक इंडिविजुअल की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट हो सकती है सोसाइटी की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, ऑल दो सोसाइटी की वैल्यूज ही डिफाइन करेंगी उसकी इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम को, बट फिर भी वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे वो बोला कि सोशल वैल्यूज जो है वो डिफर करेंगे इंडिविजुअल वैल्यूज से एज दे इन्वॉल्व कंसर्न फॉर अदर वेलफेयर। क्योंकि सोशल वैल्यूज क्या डिफाइन कर रही है, वो होलिस्टिक सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रही है। इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो मैंने आपको क्या बताया, वो पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस पे आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया सोशल वैल्यू क्या है, कि आपको इज्जत मान करना है, आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, भाई आप सुबह उठते हो, आप 5 बजे उठ रहे हो, आपको एक एक इंडिविजुअल वैल्यू है कि अभी मुझे रोज सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छूने हैं। ये आपके वैल्यू एक एक इंडिविजुअल वैल्यू होगी। एक हो गया सोशल वैल्यू, क्या हाँ भाई उनकी इज्जत करनी है, ये एक सोशल वैल्यू होगी। अब आपने एक सिस्टम बना दिया, देखो एक तो नॉर्म तो है ही है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मली आप क्या करते हो, पैर छूते हो कभी, मतलब वंस इन अ ब्लू मून कोई मिलेगा तो आप पैर छूओगे, कोई बड़ा मिलेगा उसके पैर छूओगे। एक आपने वैल्यू सिस्टम इनकॉर्पोरेट कर दिया कि रोज आप सुबह उठोगे अपने माँ बाप की पैर छूओगे, ये आपका इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम है, ठीक है ना। सोशल वैल्यू सिस्टम बोलता है कि इज्जत मान करो, इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम आपका क्या गाइड कर रहा है उसको कि मुझे रोज सुबह उठ के क्या करना है, पैर छूने। अब वही बात है कि वेरिएशन है, कल्चरल वेरिएशन है कि जो वैल्यू सिस्टम है वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई वैल्यू सिस्टम जो है वो कॉमन रहता है सोसाइटी सोसाइटी वेरी करता है, हाँ भाई वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी वो वेरी करता है। वेस्टर्न सोसाइटी की अगर आप बात करो इस पे बात करती है, वो एम्फेसाइज करता है मटेरियल प्रोग्रेस के ऊपर, वो ज़्यादा एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअलिज्म की तरफ, वो ज़्यादा बात करता है अचीवमेंट ओरिएंटेशन की बात को, ठीक है ना। अब बल्कि जब इंडियन सोसाइटी है वो प्रायोरिटाइज किसको करता है, स्पिरिचुअलिज्म को प्रायोरिटाइज करता है, फैमिली वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, यही वैल्यू सिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स को जन्म देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर वेस्टर्न सिस्टम है क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस को एम्फेसाइज करता है तो इंडिविजुअलिज्म की तरफ फोकस करेगा। आप देखोगे वहां पे लोग ज्यादा अपने बारे में सोचेंगे, सोलो ट्रैवलर्स आपको बड़े ज्यादा मिलेंगे जो आपके यूरोपियन वर्ल्ड से होंगे, ठीक है ना। अच्छा इंडियन सोसाइटी की बात करें, अगर स्पिरिचुअलिज्म की बात करता है तो आप देखोगे यहाँ पे आपको फैमिली वैल्यूज बड़े ज्यादा दिखेंगे। आपको यहाँ पे हर बंदा टेम्पल में जाता हुआ दिखेगा, मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। वो एक उसका और गॉड का कनेक्ट एक काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू अ वेस्टर्न पर्सन। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स को ध्यान देता है। हम कह सकते हैं कि जो नॉर्म्स हैं दे आर द सबसेट ऑफ वैल्यूज। वैल्यू एक ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर क्या आता है, नॉर्म आता है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें सोशलाइजेशन, देखो ये सारी बातें जो है ना एग्जाम में कहीं ना कहीं आई हुई हैं, कहीं मैंने लिखी हुई है सारी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, सोशल वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड बाय इंडिविजुअल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिकम इनग्रेन्ड इन देयर पर्सनैलिटी। भाई जो सोसाइटल वैल्यूज हैं वो एक टाइम के बाद इनग्रेन हो जाती है आपके अंदर, ठीक है ना। अब एज्यूम करते हैं कि अगर हम वैल्यू सिस्टम की बात करें कि यहाँ पे हम अपने टीचर को कभी भी नाम से नहीं बुलाते, क्योंकि वेस्टर्न में वेस्टर्न कल्चर में हर बंदा अपने टीचर को नाम से बुलाता है, टॉम बुलाएंगे उसको, ठीक है ना, अगर जेसन बुलाएंगे उसको, जबकि हम क्या करेंगे, सर मैम अगर नाम लगाएंगे, नाम के साथ सर या मैम लगाएंगे, जी लगाएंगे। तो ये हमारे क्या है कि सोसाइटल सिस्टम से हम क्या कर रहे हैं उसको, जो सोशलाइजेशन के थ्रू या सोसाइटल वैल्यूज को हम अपनी पर्सनैलिटी में इनग्रेन होगी। अब अगर हम उनको जी नहीं बुलाएं तो हमें अजीब लगेगा, आपको थोड़ा डिफरेंट फील होगा उस चीज़ में लेके, है ना। नॉर्म्स वही मैंने बताया वो वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्म्स जो है वो वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं, नॉर्म्स के वेरियस वैल्यूज जो है वो किसको क्रिएट करती हैं, नॉर्म्स को क्रिएट करती हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज,
कि वही बात आ गई कि भाई ये वो सेम चीज है, देखो नॉर्म्स और वैल्यूज का सेम ही है, थोड़ा थोड़ा बस जो फर्क है मेन वो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। वही भाई ग्रुप गाइड करती है बिहेवियर को, कॉपरेशन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करती है, क्योंकि सबका शेयर्ड वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। जो मैं सोच रहा हूँ, जो वैल्यू सिस्टम के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, उसी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से क्या हो रहा है, आप भी चल रहे हो, ठीक है ना। अब वैल्यूज को सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ से देखें तो सोशियोलॉजी में वैल्यू डिफर करती है इकोनॉमिकली, फिलोसफी मीनिंग रिप्रेजेंट स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग बिलीव अबाउट व्हाट इज राइट गुड इंपॉर्टेंट डिजायरेबल वर्थवाइल इन टू एन इंडिविजुअल। क्राइटेरिया फॉर डेली लाइफ, वैल्यूज इन्फ्लुएंस बिहेवियर सेवियर एज क्राइटेरिया इन डेली लाइफ, प्रायोरिटाइज एंड चूज बिटवीन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि वैल्यूज जो है, ठीक है ना, वो डिफाइन करती है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका कोर बिलीव को डिफाइन करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है, कि भाई आपको पता है कि भाई अगर किसी की मदद करूंगा ये सही चीज़ है, जबकि किसी के साथ गलत, अगर मतलब आप कुछ किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत करते हो जो उसके अगेंस्ट जा रही है, या आप कोई प्लॉट कर रहे हो, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो उसके साथ, या उसको पब्लिकली डिफेम कर रहे हो, ये गलत चीज़ है। ये कैसे गलत है, ये डिफाइंड है ना, बचपन से आपको सिखाया गया, अपने बड़े की इज्जत करो, किसी के बारे में गलत ना बोलो, ये आपको बचपन से सिखाया गया, इंडियन वैल्यू सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है ना। बार बार आपने बचपन से सुना हुआ तो वो आपके इंटरनलाइज हो गया हुआ है आपके अंदर, ठीक है ना, वो आपके अपने आपकी जो सोसाइटल वैल्यू थी वो आपकी इंटर पर्सनलाइज वैल्यू भी बन चुकी है, ठीक है ना। और ये आपके क्या करते हैं, इसके बेसिस पे ही आप क्या कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होगा, पर आपका बिहेवियर इसी के अकॉर्डिंगली है, ठीक है, और आपका जो डेली लाइफ शेड्यूल है वो भी उस पर डिपेंड करता है, आपके जो एक्शंस है वो भी उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफाइन करें तो एक ग्रुप कंसेप्शन ऑफ डिजायरेबिलिटी कहा गया है इसको, ग्रुप कंसेप्शन ऑफ डिजायरेबिलिटी की जो सब ग्रुप कंसेप्शन ऑफ रिलेटिव डिजायरेबिलिटी ऑफ थिंग्स, किसने बोला, लेज़ली लार्सन गॉर्मन ने ये बोला हुआ इसको। साथ ही साथ बिलीव इन गुड एंड वर्थ फाइल, मिचेल लैमोज ने क्या बोला हुआ है, वैल्यू इज ए बिलीव दैट समथिंग इज गुड एंड वर्थ फाइल, कि ये सही है, इट इज वर्थ फॉर, मतलब इसका ये जरूरी भी है आपके लिए, ठीक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या है कि भाई कैरेक्टर मॉरलिटी, आपकी जो मॉरलिटी है वो आपकी वैल्यू सिस्टम से आप क्या करती है, आपका एक आपका मतलब वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे आपकी मॉरलिटी बनती है, एथिक्स आपके वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे बनते हैं, ठीक है ना। इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट व्हाट इज राइट गुड इंपॉर्टेंट, बात आ गई कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। साथ ही में ये मॉरलिटी को डिफाइन करती है, ठीक है ना, मॉरलिटी को डिफाइन करती है, एब्स्ट्रैक्ट है ये कॉन्सेप्ट में, स्पेसिफाइड नहीं है, रिलेटिवली स्टेबल है, परमानेंट है, रेजिस्टेंस, मतलब इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है आपका वैल्यू सिस्टम, इतनी जल्दी नहीं चेंज होता, हो सकता है पर इतनी जल्दी नहीं होता, एक बड़ा एफर्ट चाहिए उसको चेंज करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। अब देखोगे एक पर्टिकुलर एज के बाद आप देखोगे एक चेंज नहीं होती, उसका वैल्यू सिस्टम उसका डिफाइन हो गया होता है, उसको पता भाई यही सही है, मैं यही करने वाला हूँ, उसके आगे कुछ नहीं करने वाला मैं, ठीक है ना। सेंट्रल टू कोर ऑफ ए पर्सन, ठीक है, उसका कोर एज ए पर्सन वो क्या है, वो उसका वैल्यू सिस्टम डिफाइन करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन वही, अभी आपका प्रोवाइडिंग गोल्स प्रोवाइड करता है कि भाई क्या है आपका सोसाइटी में यूनिटी आता है, लेजिटिमेसी देता है नॉर्म्स को, कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। एडजस्टमेंट बिटवीन नॉर्म्स, वैल्यूज हेल्प ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ नॉर्म्स, मॉडिफाई रूल्स टू अचीव कॉमन गोल्स, वही जो मैंने आपको शेयर कर दिया हुआ। अब रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, मैंने आपको बताया नॉर्म्स क्या है, वो नॉर्म्स क्या है वो थोड़े स्पेसिफिक छूना, वैल्यूज क्या है जनरल है, इज्जत करना, ठीक है ना। अब सेम वैल्यू के क्या डिफरेंट, एक क्वेश्चन आया हुआ भी ध्यान रखना, सेम वैल्यू सिस्टम के डिफरेंट नॉर्म हो सकते हैं, भी हो सकते हैं, मैनी स्पेसिफिक नॉर्म हो सकते हैं, भाई मैं इज्जत करता हूँ, कोई पैर छुएगा, कोई नमस्ते करेगा, कोई जापानीज की तरह बो डाउन करेगा, तो डिफरेंट नॉर्म हो रही है, वैल्यू सिस्टम तो सेम है ना, रिस्पेक्ट देना, और एक नॉर्म का सेवरल वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब अगर मैं सपोज करते हैं किसी को नमस्ते कर रहा हूँ या मैं पैर छू रहा हूँ, तो रिस्पेक्ट एक वैल्यू आ रही है, एक आप कह सकते हो कि एक व्हाट यू कॉल इट, ईगो का ऑपोजिट क्या होता है, आपकी ईगो कम हो रही है उसमें, है ना, वो भी एक वैल्यू सिस्टम है कि भाई प्राउड नहीं हो रहे हो आप इतने, ठीक है, वैनिटी नहीं आ रही आपके अंदर उतनी, वो भी वो चीज़ डिफाइन कर रही है। तो एक नॉर्म डिफरेंट वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे एग्जाम्पल भी दीजिए क्या कि नॉर्मली एक वैल्यू क्या है, वैल्यू होगी कि इक्वालिटी आपने मेंटेन करनी है, बट अगर स्कूल के अंदर क्लास टीचर क्या करे, इक्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करे, मतलब वो फेवरेटिज्म करे, तो गलत है ना,
उसको फेवरेटिज्म नहीं करना है ना वहां पे, उसको वहां पे इक्वालिटी ऑनेस्टी ह्यूमैनिटरिज्म के कॉन्सेप्ट को अपहोल्ड करना है। अब डिफरेंस वही आ गया नॉर्म्स एंड वैल्यूज के बीच में, नेचर एंड की जो नॉर्म है वो क्या है, वो वही बताया स्पेसिफिक है वो जनरल है। अब नॉर्म क्या है, वो एक मीन है एंड को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। अब एंड क्या है, एंड क्या है, रिस्पेक्ट देना अपने एल्डर्स को। मीन क्या है, उनके नमस्ते करना, ठीक है ना। एंड क्या है, ऑनेस्टी को होल्ड करना। मीन क्या है, आपका नॉर्म क्या है, नो करप्शन। एंड क्या है, ह्यूमैनिटी को मेंटेन करना। मीन क्या है, हेल्प करना अदर्स को। नॉर्म क्या है, मीन है, ठीक है ना। वैल्यूज क्या है, एंड है, ठीक है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज कर सकते हैं वैल्यूज और नॉर्म्स में, ठीक है ना, जहाँ पे मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चरल क्रैश करते हैं। जैसे कि अब अगर वैल्यू सिस्टम है आपका, सपोज करते हैं जैसे इंडिया और यूएस की, आप ये वेस्टर्न कल्चर की बात कर लो, ठीक है ना। वहाँ पे ज़्यादा क्या है, वहाँ का वैल्यू सिस्टम क्या है, वहाँ का वैल्यू सिस्टम है कि मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट है थोड़ा, जबकि इंडियन वैल्यू सिस्टम क्या है, स्पिरिचुअल आस्पेक्ट है थोड़ा, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्म्स वैल्यू सैंक्शन मैंने बता दिया आपको, नॉर्म्स और वैल्यू की वैल्यू तब है जब सैंक्शन साथ साथ चले, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ नॉर्म्स आपका क्लियर है, साथ ही साथ आपका जो वैल्यूज है वो भी आपको क्लियर है। अब याद करो मेरा स्टार्टिंग लेक्चर, मैंने आपको बताया था वैल्यू, उससे उसको आप रिप्रेजेंट करोगे नॉर्म्स के थ्रू। नॉर्म्स के जब लगातार स्ट्रांग होते हैं तो नॉर्म्स ट्रेडिशन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग होता है मोर्स, मोर स्ट्रांग होता है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होता है लॉ। अब बात आती है फोकवेज की। अब फोकवेज क्या, पहले समझो है क्या फोकवेज। फोकवेज क्या, पहला पॉइंट, ये टर्म किसने क्वाइन किया, समनर ने क्वाइन किया, विलियम ग्राहम समनर ने। कब की थी, 1906 के अंदर की थी। अब इसका मतलब क्या होता था, वे ऑफ द फोक। इसका मतलब क्या था, वे ऑफ द फोक यानी एक्सेप्टेड नॉर्म ऑफ द बिहेवियर इन अ सोसाइटी। मतलब देखा जाए फोकवेज क्या है, एक इनफॉर्मल रूल है, ठीक है। और अगर आप इसको वायलेट करोगे, मैं सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, अगर आप इसको वायलेट करोगे देयर विल बी नो प्यूनिटिव एक्शन, यानी नो पनिशमेंट। मतलब अगर आप इसको नहीं फॉलो करो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई पनिशमेंट नहीं होगी आपके खिलाफ। माइट भी आपको रूड कहा जाए बट ऐसा नहीं होगा कि आपको उठा के बाहर फेंक दें, ठीक है ना। वही एग्जांपल के तौर पे रिस्पेक्ट करते हो, पैर नहीं छुए भाई, पैर छूना क्या, काइंड ऑफ फोकवेज भी है ना। मतलब है तो ये नॉर्म का ही पार्ट ना, ये कि टाइप ऑफ नॉर्म ही है ना। अब कुछ नॉर्म होंगे जो अगर आप मतलब इतने रिजिड हैं कि वो मोर्स बन गए हैं, कुछ नॉर्म है वो क्या है, फोकवेज बन गए। मतलब देखो आप इसको समझो कि नॉर्म ही है, नॉर्म का ही टाइप है क्या, फोकवेज और मोर्स। वो नॉर्म जिनको आप फॉलो करते हो, ठीक है, जो इनफॉर्मल ही, ऑब्वियसली नॉर्म्स इनफॉर्मल होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो बट फॉलो करने के बाद, मतलब अगर आप उनको फॉलो नहीं करते नो एक्शन, नो पनिशमेंट। नॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे, फोकवेज। एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया नमस्ते करना, अगर आप सपोज कर आपको अपने से बड़ा मिला आपने नमस्ते नहीं किया तो क्या हो गया, नॉर्म था नमस्ते करना, फोकवेज था नमस्ते करना, आपने नहीं किया तो आपको क्या मार देगा, नहीं मारेगा ना। ये क्या है, नमस्ते करना क्या, फोकवेज। बट कोई ऐसा नॉर्म वक्त के साथ रिजिड हो चुका है और अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया और आपको उसको फॉलो क्योंकि आपने नहीं किया तो आपको पनिशमेंट की जाती है, उस तरह के नॉर्म को हम क्या बोलेंगे, मोर्स बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे क्या होगा इसमें, एग्जांपल के तौर पे आ जाएगा, जैसे आप मंदिर में जा रहे हो, चप्पल पहन के चले जाते हो, मंदिर के प्रीमाइसिस में आप नॉन वेज खा लेते हो तो क्या होगा, आपको मार मार के उल्टा उल्टा देंगे वो। ये क्या है, ये मोर्स बन गया हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं कि मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही है, मोर और फोकवेज। तो क्या, नॉर्म दैट
इंडिविजुअल कन्फर्म टू बिकॉज इट इज कस्टमरी टू डू सो एंड रिप्रेजेंट एक्सेप्टेड बिहेवियर, हम पूछना करना चाहिए, नहीं क्या कोई बात नहीं, ठीक है। ओरिजिन की बात करें, अराइज स्पॉन्टेनियसली अनकॉन्शियसली विद इन ए ग्रुप एड्रेस प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई, कोई अपने आप ही ये अराइज कर जाता है, ठीक है ना। यहाँ था एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद सोशली एक्सेप्टेड हैबिट वो या फोकस बनेगी या नॉर्म बनेगी। एनकम्पस कस्टम कन्वेंशंस यूजेज, ठीक है ना, एटिकेट, ये सब चीज़ें क्या आती हैं फोकस के अंदर आती है, ठीक है ना। और ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू ये अपने अपने आप को इवॉल्व कर देता है कि भाई पहले पैर छुए नहीं चला, फिर नमस्ते किया चल गया, इस तरह से अपने आप चल जाता है। अब ईटिंग हैबिट्स, अभी आपको खाना खाना है, हाँ मतलब एक तरीके से खाना चाहिए, ठीक है, फोक वे है ना भाई। ड्रेसिंग स्टाइल क्या भाई, फोक वे है ना, किसी पार्टी में चले भी जाओगे अंडरवेयर में क्या हो जाएगा, मार थोड़ी देगा कोई, निगाहों से कोई देख सकता है आपको, पर कोई मार तो नहीं देगा ना आपको। सोशल इंट्रैक्शन तरीके से करनी चाहिए, क्या फोक वेज है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वही बात आ गई भाई, क्या कि दे आर स्पॉन्टेनियस ओरिजिन है, रिकग्नाइज्ड बिहेवियर होता है, डिस्टिंक्टिवनेस है और हेरिडिटरी है, चलते आ रहे हैं बस भाई सदियों से। अब डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया, ग्लिन एंड ग्लिन ने क्या किया इसको, बिहेवियर पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ की जो आप रोजाना करते हो, विच जनरली अराइज अनकॉन्शियसली इन ए ग्रुप, जो अराइज हो जाता है। देखो हॉटन हट की जितनी स्टेटमेंट है ना सारी याद कर लेना, ये काफी बार एग्जाम्स में आई हुई है, ठीक है ना। तो हॉटन एंड हट की बात करें, सिंपली द कस्टमरी नॉर्म हैबिचुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो आप रोज कर रहे हो। मेलिवर ने क्या बोला, रिकॉग्नाइज और एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग इन सोसाइटी, उसको हम क्या बोलेंगे आपका फोक वे बोलेंगे। ए डब्ल्यू ग्रीन ने क्या बोला, दोज वे ऑफ एक्टिंग दैट आर कॉमन टू सोसाइटी और ग्रुप दैट आर हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू अनदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे फोक वे बोलेंगे। अब वैरायटी क्या है फोकवेज की, एक है इनफाइनाइट वैरायटी, फोकवेज कवर वास्ट रेंज फ्रॉम ट्रिविल मैटर टू सिग्निफिकेंट कल्चरल प्रैक्टिस, जैसे ईटिंग प्रेफरेंस हो गया, ड्रेस कोड है, मैरिज कस्टम है, ये सदियों से चलते आ रहे हैं, तो ये क्या है इन्फिनिटी वैरायटी है, ठीक है ना। फोकवेज की कल्चरल वेरिएशन के वेरी बिटवीन सोसाइटी विद इन कल्चर एंड अक्रॉस एज एंड जेंडर ग्रुप। अब देखो अब एज्यूम करते हैं दो दोस्त मिलेंगे, ठीक है ना, तो कैसे मिलेंगे भाई, गले मिलेंगे भाई, एक दूसरे को शायद गाली भी निकाल दे, तो वो क्या है फोक वे, वो उनके आपस का कस्टम है जो जेंडर मतलब वेरी करता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने से बड़े को मिलोगे तो आप गाली नहीं निकालोगे, दो दोस्त मिलेंगे गाली निकाल के बात करेंगे, अपने से बड़े को मिलेंगे वो उनका अपनापन दिखाने का तरीका है, पर अगर आप किसी अपने से बड़े को मिलोगे तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आप वो चीज नहीं कर रहे हो, वहां पे माइट बी आप पैच हो, माइट बी उनको नमस्ते करो, माइट बी आप उनको एक झील गा के बुलाओ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है ना। अब सेंक्शंस की बात करो, वो इनफॉर्मल सेंक्शंस होती हैं, जैसे अब फोकवे नहीं माना आपने क्या होगा, इनफॉर्मल सेक्शन लग जाएगी, गॉसिप किया जाएगा आपके बारे में, रिडिक्यूल किया जाएगा, पर कोई एक पर्टिकुलर एक एक्शन तो नहीं लिया जाएगा ना आपके खिलाफ, ठीक है ना। अब जैसे कोई सिटी की लड़की है, अगर वो गांव में चले जाए, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल दी हुई मैंने यहाँ पे, वो जींस पहन के चली जाती है वहाँ पे, माइट बी वहाँ के लोग दे विल गिव हर आइज, ठीक है ना, वो वहाँ पे उसको एक मतलब ऐसे एक हीन भावना से देखेंगे कि यार ये क्या पहना हुआ है यहाँ पे, क्यों वहाँ का फोकवे नहीं है ना वो, पर मार तो नहीं देगा ना भाई आपको, आपकी मर्जी जो मर्जी पहनो, ठीक है ना। अगेन मोर सेम जैसे मैंने आपको समझाया, क्या अनदर कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय समर रिप्रेजेंट बिहेवियर पैटर्न दैट आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं, ठीक है ना। मोस्ट वर्ड है जैसे मॉरल वर्ड भी आया उसी वर्ड से लिया गया जिसका मीनिंग होता है कस्टम, ठीक है। मोस्ट आर डीम इंडिस्पेंसिबल फॉर द ग्रुप एग्जिस्टेंस एंड कम विद सेवियर पनिशमेंट के थ्रू आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और मोस्ट एक्सप्रेस सेंटिमेंट्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ग्रुप बिहेवियर, जैसे मोनोगैमी है मोर है, डेमोक्रेसी है मोर है, ठीक है, एंटी स्लेवरी है मोर है, ठीक है, बाकी जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है सोसाइटी ये सब में आए थे मोर में आए थे, ठीक है। तो मैकैवली की बात करें, मैकैवर ने क्या बोला, व्हेन द फोक्स हैव एडेड टू देम ए कंसेप्शन ऑफ ग्रुप वेलफेयर, ये फोक्स ही स्ट्रांग बन जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे मोर्स बोलेंगे। गिलन एंड गिलन ने क्या बोला, ग्रुप एंड कस्टम्स एंड ग्रुप रूटीन नेसेसरी फॉर ग्रुप कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे मोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है, वही इंडिविजुअल बिहेव सेम इंडिविजुअल बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, आइडेंटिफाई एक ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो आप, ठीक है, गार्डियंस ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, ठीक है ना, कि मोर कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेशन, मतलब आप सोसाइटी को जोड़ के रखते हो, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या,
कि जो फोकवेज हैं, हाँ फोकवेज हैं वो ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, जबकि ये नैरो है। मंदिर में जाना चाहिए, गए नहीं गए, फोकवे वहां चप्पल पहन के चले गए मोर, ठीक है। वैल्यू, मोर इम्प्लॉइज वैल्यू जजमेंट अबाउट फोकवेज, वो डिफाइन और रिग्रेसिव और एग्रेसिव मैनर का वैल्यू सिस्टम को डिफाइन कर रही है। जो मोर्स हैं वो रिजिड हैं, कंपल्सिव है, ठीक है, रेगुलेटरी हैं, जबकि फोकवेज ऐसे नहीं है। मोर्स में फाउंड कन्विक्शन है, डिफाइंड है कि राइट क्या है और गलत सही क्या है, जबकि फोकवेज में थोड़ा एक ब्लर है। जो फोकवेज हैं दे आर मोर रैपिडली एंड मोर्स आर डीप रूटेड। एंड अब देखो जो फोकवेज है वो रैपिड है, मौके पे मतलब चेंज भी हो सकते हैं, चलता है उनका सिस्टम, क्योंकि मोर वो डीपली रूटेड है सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना, कि अगर वो नहीं करोगे तो भाई गाली पड़ सकती है आपको, जूते पड़ सकते हैं आपको, मार पड़ सकती है आपको, ठीक है ना। देन परमानेंस एंड सोशल स्टेटस, फोकवेज चेंज विद सोशल एंड मतलब फोकवेज जो है वो चेंज होते हैं ऑक्यूपेशन से, सोसाइटी सोशल प्रेशर से, जो कि मोर्स चेंज नहीं होते, ठीक है ना। चाहे अमीर से अमीर बंदा आ जाए चप्पल लेके या नॉनवेज खाएगा मंदिर में, तो उसको गालियाँ ही पड़ेंगी, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। कंक्लूजन वही आ गया कि भाई रोल ऑफ मोर्स इन सोसाइटी क्या है। मोर्स प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स, इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है ना। डोमिनेंस ऑफ मोर्स, मोर्स आर, अगर आपको बोला जाए ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन है, मोर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग। अडाप्टेशन एंड एवोल्यूशन, कि भाई जो सोशल नॉर्म्स हैं जो फोकवेज और मोर्स की फॉर्म में अडॉप्ट हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज, मोर्स में आपके आपको कन्फ्यूजन कोई है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं उनको सॉल्व करने की बात मतलब कोशिश करूँगा। हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस ला सकूं। देखिए अगर ये वीडियोस पे ऑब्वियसली बात है व्यू अच्छे जाएंगे, सीधी सीधी बात है व्यू अच्छे जाएंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स होगा, एक इंट्रैक्शन होगी, तो ही मुझे मोटिवेशन आएगी कि मैं बाकी लेक्चर्स भी आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है पूरा मटेरियल गैदर करना, अच्छे से स्टडी करना, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल सके। देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 20-20 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ, 25-25 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ, मैं ट्राई करूँ 1 से 1.25 घंटे की वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब जितना मर्जी टाइम लगे, बस आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फायदा हुआ इन लेक्चर्स का। थैंक यू।